बिजली कंपनीज की नाअहली, सारिफीन को लाखों का टीका बिजली कंपनीज की जानिब से। 30 दिन से ज्यादा बिलिंग का इंकशाफ, खराब मीटर तब्दील ना करने की वजह से एवरेज बिल भेजे गए। नेप्रा ने तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल कर ली कि इलेक्ट्रिक समेत तमाम बिजली कंपनीज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। डिस्कोस को खराब मीटर बदलने, गलत बिलों की तस्हीह के लिए 30 दिन की मोहलत। रिपोर्ट के मुताबिक जायद बिलिंग से लाखों सारिफीन मुतासिर हुए। कंपनीज की नाअहली से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों को ज्यादा बिल भेजे गए। कंपनीज ने नाअहली छिपाने के लिए जानबूझकर बददियानती की कि इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्कोस को नोटिस वजाहत तलब। बिलिंग साइकिल में कोई लापरवाही नहीं पाई गई कि इलेक्ट्रिक की वजाहत। तर्जुमान ने कहा, प्रोटेक्टेड सारिफीन की बिलिंग में स्लैब का रद्दबदल नहीं पाया गया। इसराइल गजा को सफाई हस्ती से मिटाने पर तुल गया। गजा पर बदतरीन बमबारी के बाद खान यूनुस पर भी चढ़ाई। फजाई हमलों के साथ साथ जमीनी कार्रवाइयां भी तेज। घरों, कमर्शियल सेंटर्स और पनागुजीन कैंप्स पर बदतरीन बमबारी। दो रोज के दौरान 800 से ज्यादा निहत्ते फलस्तीनी शहीद हो चुके। जनीन, सलवाद और रफना के इलाकों में दर्जनों नौजवान गिरफ्तार। हमास की शदीद मुजाहमत, गली कूचों में झड़पें। इसराइल की अपने मजीद 3 फौजियों की हलाकत की तस्दीक। इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। अमेरिका में वाशिंगटन DC, मैनहट्टन, शिकागो और लॉस एंजलस में रैलियां। दुबई एक्सपो के बाहर एहतजाज, सैकड़ों अफराद की शिरकत। अमरीकी सिफारतखाने के बाहर भी मुजाहरा किया गया। लोग फॉलो करते हैं और आपको ऐसा झूठ बोलते हुए, बड़े अफसोस की बात है। इस पे मुझे कहना पड़ता है कि आप इतना बड़ा झूठ कैसे कौम से बोल सकते हैं। और आप ये अल्फाज इस्तेमाल करें कि मैं इस बात की कसम उठा सकता हूँ, या आप ये कहें कि मैं अपनी हमारी जो सबसे मुकद्दस किताब है उस पर हाथ रख के आप कह सकते हैं कि जी कुरान शरीफ पे, मैं बहुत 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 नहायत अफसोस से बात करता हूँ कि ये बहुत झूठ है। और बिल्कुल ये इनकी मुलाकातें भी थीं और ये इन्होंने देखा भी है। बुशरा बीबी से मुतालिक बानी चेयरपैन PTI का दावा गलत करार। साबिक करीबी साथी ऑन चौफरी मैदान कूद पड़े। कहते हैं बानी चेयरपैन PTI ने इस सदी का सबसे बड़ा झूठ बोला। बानी चेयरपैन PTI बुशरा बीबी से निकाह से पहले दर्जनों बार मिले, देखा भी। मैं खुद बानी चेयरपैन को मुलाकात के लिए लेकर जाता रहा। बुशरा बीबी कुरान पर हल्फ दें, उन्होंने निकाह से पहले चेहरा नहीं दिखाया। राणा सनावला ने कहा, 9 मई की साजिश बानी चेयरमैन PTI ने की। पहले अमेरिका पर इल्जाम लगाया, अब नवाज शरीफ और जनरल बाजवा का नाम ले रहे हैं। बानी चेयरमैन PTI फनकार आदमी हैं, रोज नया झूठ बोलते हैं। इन्होंने जो किया भुगतना पड़ेगा। मरियम नवाज ने कहा, पहले कहा 9 मई के हमले में मैंने नहीं, कारकुनान ने हिस्सा लिया था। आज कहता है 9 मई नवाज शरीफ ने कराया। ट्वीट में कहा, यानी 9 मई को PTI लीडर और कारकुन नवाज शरीफ से हिदायत ले रहे थे। वाह जी वाह। इलेक्शन करीब आते ही सियासी जोड़तोड़ शुरू। नवाज शरीफ से PDM सरपरा मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। इंतखाबात के बाद मिलकर हुकूमत बनाने, तमाम उमूर पर मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक। मुलाकात में MQM के मुजफ्फिसा बल्दियाती निजाम पर इत्तफाक की राय। आइंदा पार्लियामान में आयनी तरमीम लाने का फैसला। सिंध में तीनों जमातें इतिहादियों से मिलकर सीट एडजस्टमेंट करेंगी। दोनों जमातों का मुश्तरका सदारती उम्मीदवार लाने पर भी मुशावरत। नवाज शरीफ की जेर सदारत पार्लियामानी बोर्ड का दूसरा इजलास। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के लिए उम्मीदवारों के नामों पर गौर। आम इंतखाबात की सिक्योरिटी के लिए इलेक्शन कमीशन ने पाक फौज की खिदमात मांग ली। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी दाखिला को मुरासला। पाक आर्मी और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की बतौर स्टैटिक और क्विक रिस्पांस फोर्स तैनाती का मुतालबा। उधर इलेक्शन कमीशन के नोटिस पर वजारत खजाना ने फंड्स जारी करने की हामी भर ली। फंड्स की अदम फराहमी पर सेक्रेटरी खजाना इमदाद बोसाल की इलेक्शन कमीशन तलबी। कमीशन को जितने फंड्स दरकार हैं 2 दिन में जारी कर देंगे। सेक्रेटरी खजाना की यकीन दहानी। निगरान वजीर इत्तला'आत मुर्तजा सोलंगी कहते हैं, ECP की माली जरूरियात से मुतालिक कोई बहरान नहीं। आजादाना इंतखाबात के निकाद के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े।
साइफर केस में अहम पेशरफ, बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने अडियाला जेल में समाअत की। बानी चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद में जालान की नकूल पेश, साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर खारजा कसूरवार करार। 190 मिलियन पाउंड करप्शन रेफरेंस की बासाबता समाअत शुरू। बानी चेयरमैन पीटीआई को 6 दिसंबर को पेश करने का हुक्म। बुशरा बीबी भी तलब, फराह गोगी समेत मफरूर मुलजमान की नाकाबिले जमानत, वारंट गिरफ्तारी जारी। हलका बंदी और इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर तहफुजात, एमकेएम के वफद की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। मलीर के माड़ी, बल्दिया, कुरंगी के हलकों पर एतराजात सामने रखे। एमकेएम का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से एतराजात पर सूमोटो लेने का मुतालबा। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज चौहान को भी हटाने का मुतालबा कर दिया। हलका बंदियों के मामले पर कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला। जल्द इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पटिशन दायर की जाएगी। मीडिया से गुफ्तगु में खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, सिंध की निगरान हुकूमत पीपल्स पार्टी के मफादात की निगरान है। फारूक सत्तार बोले, पीपल्स पार्टी का बहता हुआ पैसा शायद इलेक्शन कमीशन में आ गया। एएनपी को भी हलका बंदियों और लेवल प्लेइंग फील्ड पर तहफुजात, इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने भी इलेक्शन कमिश्नर सिंध पर अदम एतमाद कर दिया। सूबाई सदर बशीर बेमन ने कहा, हलका बंदियों पर हमें तहफुजात हैं, फरमाइशों पर हलके बनाए गए, पीपल्स पार्टी की धांधलियों पर खामोश नहीं रहेंगे, हम अदालतों में जाएंगे। बोले, कराची का हक उसे तरक्की मिले जैसे लाहौर को मिल चुकी। निहाल हाशमी ने कहा, पीपल्स पार्टी ने सिंध में प्री पोल रिगिंग का आगाज कर दिया। नवाज शरीफ को नया लाडला कहने पर बहुत बुरा मनाया जाता है। नून लीग वाले नवाज शरीफ की सियासत का जनाजा खुद निकाल रहे हैं। बरमला लाडला टैग का एतराफ करते हुए कहते हैं कि अगली हुकूमत हमारी है। पीपी रहनुमा सईद गनी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, मजीद कहा, पीपल्स पार्टी के कहने पर निगरान हुकूमत में कोई अफसर नहीं लगाया गया। बाप बेटी और बाप बेटे की कहानी से निकलने का वक्त आ गया। 3 बड़ी सियासी जमातों ने मुल्क का हुलिया बिगाड़ दिया। 8 फरवरी मौरूसी सियासत के लिए यौमे निजात होगा। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक का पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। बोले, जमहूरियत को घर की लॉन्डी बना दिया गया, सियासी दहशतगर्दों की वजह से अदालतों में इंसाफ नहीं मिल रहा। लगता है हाजरा खान झूठ नहीं बोल रही। जैसी सपोर्ट हाजरा खान को किताब की रूनमाई पर मिली, मुझे नहीं मिली। रेहम खान के एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम स्टेट क्राफ्ट में गुफ्तगू, कहा, मुझे किताब छापने पर धमकियां दी गईं। जस्टिस मजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के शोकॉज नोटिस का जवाब जमा करा दिया। जवाब में लिखा, मैंने 2 आईनी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी हैं, इन दोनों दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इस्तदा है कि मुझे जारी करदा शो कॉज नोटिस वापस लिया जाए, मेरी आईनी दरख्वास्तें 3 रुकनी कमेटी के सामने रखी जाएं। चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी को चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट बनाने की सिफारिश। चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन का अजलास। कमीशन ने सिफारिशात मंजूरी के लिए पार्लियामानी कमेटी को भिजवा दी। जुडिशल कमीशन अजलास में रूल्स बनाने के लिए कमेटी तश्कील। जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। गवादर में समुद्री पानी को काबिले इस्तेमाल बनाने का मंसूबा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक़ ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। पाकशीन दोस्ती अस्पताल का भी इफ्तिताह हो गया। अनवारुल हक़ का कहना है, गवादर के मुख्तलिफ मंसूबे दोनों ममालिक की दोस्ती का आकाश हैं। पाकिस्तान की तरक्की में बलोचिस्तान सबसे पहले है। सी पैक के जरिए गवादर की आवाम तरक्की के नए दौर में दाखिल हो गए। अब पानी जाया करना खतरे से खाली नहीं।
पानी जाया करने पर घरेलू सार्फिन पर 10,000, कमर्शियल सार्फिन पर 20,000 जुर्माना होगा। स्मॉग से मुतालिक केस में लाहौर हाईकोर्ट ने बड़ा हुक्म जारी कर दिया। दूसरी जानिब लाहौर में फजाई आलूदगी फिर बढ़ने लगी। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 345 रिकॉर्ड। 3 से 4 रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। शहर में मस्नूई बारिश का प्लान भी इल्तवा का शिकार। ताहाल तैयारों का बंदोबस्त ना हो सका। लाहौर में गुर्दों की गैर कानूनी पेमेंदकारी का बड़ा स्कैंडल। नौकरी का झांसा देकर गुर्दे निकालने वाला गिरोह पकड़ा गया। मकरूह धंधे में मुलविस गिरोह ने लाहौर से 90 अफराद के गुर्दे निकाल लिए। SP सदर सिदरा खान के मुताबिक मुलजिमान नौकरी का झांसा देकर शहरियों को इस्लामाबाद ले जाते थे। गैर कानूनी पेमेंदकारी का अमल इस्लामाबाद के फार्म हाउस में किया जाता। गिरोह के 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका। गैस टैरिफ में होशरुबा इजाफा। सिंध और बलोचिस्तान के सनअतकारों ने हड़ताल कर दी। फैक्ट्रियों को ताले। पैदावारी सरगर्मियां रुक गईं। इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के मुताबिक गैस टैरिफ में इजाफे से मुतादित सनअतें बंद और वर्कर्स की डाउनसाइजिंग पर मजबूर हैं। हुकूमत ने टैरिफ पर नजरसानी ना की तो मजीद हड़तालों का ऐलान किया जाएगा। सूबाई हुकूमतें और इदारे खरबों के नादहिंदा निकले। दस्तावेजात के मुताबिक ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 13 इदारों से 259 अरब रुपए वसूल कर रहे हैं। TCP के वाजिबात पर रोजाना 6 लाख डॉलर का सूद आता है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन 86 अरब 11 करोड़ का नादहिंदा। पंजाब फूड डिपार्टमेंट के समेत 13 अरब 20 करोड़ के वाजिबात। सिंध फूड अथॉरिटी ने 8 अरब 89 करोड़ रुपए अदा करने हैं। पाक फौज के बहादुर सपूत मेजर मोहम्मद अकरम शहीद का 52वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। मेजर अकरम को हीरो ऑफ हिली के नाम से शोहरत मिली। जुरत और बहादुरी की आला मिसाल कायम करने पर शहीद को आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का तारीख साज इकदाम। मुल्की तारीख में पहली बार सरमायाकारों की सहूलत के लिए वन विंडो ऑपरेशन शुरू। मोहसिन नकवी ने सूबे के पहले बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। ऑनलाइन सिस्टम का भी बासाबता आगाज हो गया। निगरान वज़ीर आला का कहना है LGA में भी वन विंडो ऑपरेशन जल्द फंक्शनल हो जाएगा। हारिस रऊफ, जमान खान और उसामा मीर बिग बैश में एक्शन दिखाएंगे। PCB ने तीनों क्रिकेटर्स को NOC जारी कर दिया। PCB का कहना है फैसला खिलाड़ियों के वर्कलोड को मद्देनजर रखते हुए किया। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज की तैयारियां। कौमी टीम की कैनबरा में भरपूर प्रैक्टिस। शाद मसूद की क्यादत में 18 रुकनी टीम ने तीनों शोबों पर भरपूर तवज्जो दी। साबिक कप्तान सरफराज अहमद कहते हैं दुनिया की बेहतरीन टेस्ट टीम के खिलाफ जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे। टीम में कप्तानी का कोई इशू नहीं, सब एक हैं। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ इंटरनेशनल स्क्वाश चैंपियनशिप मेंस इवेंट का टाइटल पाकिस्तान के नूर जमान ने जीत लिया। विमेन इवेंट का टाइटल मिस्र की खिलाड़ी आमना के नाम रहा। भारतीय फजाई का तरबती तैयारा दौरानी परवाज गिरकर तबाह। तैयारे में सवार दोनों पायलट हलाक। हादसा रियासत तेलंगाना के जिला मेदक में पेश आया। इंडोनेशिया में आतिशफिशा फटने से 11 सयाह हलाक, 12 लापता। माउंट पेरापी में आसमान पर धुएं के बादल। 3 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया।
समंदरी तूफान मशोंग का रुख भारत की जानेब। 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से टकराने का इम्कान। दोनों रियासतों में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल। चेन्नई में एयरपोर्ट पर पानी भर गया। मुतअद्दिद परवाजें सूख।